दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स में। फिनलैंड का स्कूल एजुकेशन सिस्टम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, पर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? आइए जानते हैं। फिनलैंड में बच्चे 7 साल की उम्र में स्कूल अटेंड करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि लेट अ किड बी अ किड। वहां पर स्कूल 9 AM से 9:45 AM के बीच स्टार्ट होते हैं, ये सोचकर कि अर्ली स्टार्ट टाइम्स बच्चों के वेल बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। और स्कूल यूजुअली 2 बजे तक रहता है। यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग हर पीरियड के बाद एक 15 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स खुद को रिलैक्स और डी-स्ट्रेस कर सकें। फिनलैंड में कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं होती। उनका कहना है कि रियल विनर्स कभी कम्पीट नहीं करते, बल्कि कॉपरेट करते हैं। सिर्फ मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स को हटाकर यहाँ कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी नहीं होते। टीचर्स जो हायर होते हैं उनका भी नहीं। हर किसी को इंडिविजुअल बेसिस पर ग्रेड दिया जाता है। वो मानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है और इसीलिए अलग अलग तरीके से लर्न करता है और समझता है, और ऐसे ही अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स के सालों तक सेम टीचर्स रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि टीचर का रोल सिर्फ लर्निंग तक ही लिमिटेड नहीं है। इतने सालों के दौरान एक म्यूचुअल ट्रस्ट और बॉन्डिंग भी बिल्ट होती है, और टीचर एक इंडिविजुअल बच्चे के गोल्स और नीड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है। OECD के अकॉर्डिंग फिनलैंड में स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम होमवर्क मिलता है। फिनलैंड का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स के दिमाग में इंफॉर्मेशन घुसाना नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिनलैंड को दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों कहा गया है। आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।